Assalamualaikum. Welcome to Fashion Spot. Today our second class, which is about plates. Plates क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारे जो भी सिंपल ड्रेसेस होते हैं उसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स को ऐड करके हम अपने सिंपल ड्रेस को न्यू लुक में चेंज कर सकते हैं, न्यू स्टाइल दे सकते हैं. प्लेट्स को हम डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स में, बॉर्डर्स में, एंड शर्ट के बैक साइड पे बॉर्डर्स पे हम उसको लगा सकते हैं. साइड पैनल्स पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं. एज अ ट्राउज़र में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. दुपट्टा के पल्लूज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स. जो मोस्टली जो टाइप्स उसकी हम यूज़ करते हैं, जो बहुत कॉमन यूज़ है, उसमें सबसे पहले आता है चुन्नन, देन उसमें आता है साइड प्लेट्स, बॉक्स प्लेट्स एंड इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट्स. मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगी वो ये चार प्लेट्स सिखाऊंगी: चुन्नन, साइड प्लेट्स, बॉक्स प्लेट्स एंड इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट्स. सब फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सीखते हैं चुन्नन. चुन्नन की भी दो टाइप्स होती हैं. एक चुन्नन हम लेते हैं जो कि थ्रेड की मदद से होता है, और दूसरा चुन्नन जो है वो इलास्टिक की मदद से होता है. आज के लेक्चर में मैं आपको थ्रेड के साथ चुन्नन लेना सिखाऊंगी. और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप मज़ीद हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर दीजिए. मैं आपको अपनी व्हाट्सएप क्लासेस पर ऐड कर दूंगी. और आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो चलिए चलते हैं अपने चुनर्स की तरफ. चुनर्स विथ थ्रेड हमारा आज का टॉपिक है, चुनर विथ थ्रेड्स. चुनर विथ थ्रेड्स के लिए आपने, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, कि हमने ये बॉबिन के इसका जो धागा था वो हमने ऊपर की तरफ लिया, यह हमने थ्रेड फिक्स करा. देन हमने इसमें करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा धागा लेना है. इस तरीके से इस धागे को, इस एडजस्टेबल क्लिप को उठा के हमने इस धागे को इसकी बैक पे लेके चले जाना है. अब जो यहाँ पे हमारा स्टिचिंग एडजस्टेबल क्लिप है, हमने उसको सबसे नीचे की तरफ लेके जाना है, यानी सबसे बड़ा टाका हमने करना है. अब हम क्या करेंगे, मेक श्योर कि आपकी सिलाई बीच में कहीं भी टूटती नहीं है. अब आपने इसको इस पे देना है. बिल्कुल फुल बड़ा वाला स्टिच करके आपने इसमें स्टिचिंग देनी है. आप इस चुन्नन को गरारास में भी यूज़ कर सकते हो, बेबी फ्रॉक्स की घेर्स में भी यूज़ कर सकते हो, स्लिप्स की फ्रिल्स में भी यूज़ कर सकते हो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ दिस चुन्नन. एट लास्ट आपने क्या करना है, नॉर्मल स्टिच में मैंने आपको कहा था आपने स्टिच को इसको लॉक करना है, बट इन चुन्नन की स्टिच हम इसको लॉक नहीं करेंगे. हम इसको इसका एक्स्ट्रा धागा हम लेकर आएंगे बाहर. एंड देन आपने क्या करना है, ये देखिए ये दो धागे हैं, आपने इसका एक थ्रेड उठा लेना है. एक थ्रेड आपने यहाँ से उठाया, एंड देन आपने इसको इस तरीके से बिल्कुल स्लोली, सॉफ्टली हैंड्स के साथ आपने इसको इस तरीके से अपनी चुन्नट्स को आपने आगे लेके जाना है. मेक श्योर आप जहाँ पे भी चुन्नट दे रहे हो वो पूरा इक्वलिटी के साथ आना चाहिए. ये ना हो कि एक जगह पे आप बहुत ज़्यादा चुन्नट्स लेके आ रहे हो, एक जगह पे आपकी बहुत कम चुन्नट्स हैं. ये चुनर्स अगर आप पीको के साथ, जो पीको आप अगर उसको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका स्टिच कर रखा है, इस तरीके से अगर आप ऊपर से इसको पीको करवा लेते हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है, और बिल्कुल रेडी ड्रेसेस का लुक आता है. अगर आप इसको बेबी फ्रॉक्स में भी करते हैं, या फिर अगर आप इसको स्लीव्स के चुनर में लेके जाते हैं जस्ट लाइक दिस, तो आपको ये बिल्कुल जो है वो एक रेडीमेड लुक देता है. और हम यहाँ पे आपको यही जो है वो बेसिकली जो सिखाने का मकसद है, जो क्लासेस देने का मकसद है, वो यही है कि हम आपको बिल्कुल बुटीक स्टाइल वर्क हम आपको यहाँ पे सिखाएं. ये देखें, इस तरीके से करने के बाद आपने इस तरीके से अपने थंब की मदद से आपने इसको बिल्कुल इक्वल, ये देखें, ये बिल्कुल आपने अपने थंब की मदद से इसको बिल्कुल इक्वलिटी करनी है, ताकि हर तरफ से आपकी जो है वो
लुक एट दिस। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप जो हमारी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।